हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट मैथ की फर्स्ट यूनिट, जिसमें से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या पीजीटी की, जितने भी DSSS भी अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेता है, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हो, चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ये वाले यूनिट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अपनों ने स्टूडेंट डिस्कस किया था पीआरटी का फुल सिलेबस विद टॉपिक वाइज। अगर जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक मैथ में जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक जीके के हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसी प्रकार रीजनिंग का, इंग्लिश का और हिंदी का सिलेबस अपनों ने डिस्कस किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी फर्स्ट यूनिट है जिसमें अपने इन चारों यूनिटों को पढ़ेंगे। उसके बाद इनका एक मिक्स टेस्ट होगा 200 क्वेश्चनों का, जो आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप में पहुँचा दिया जाएगा या फेसबुक पेज पर, जो आप खुद अपने आप हैंडल करोगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। पहले तो पूरे के पूरे वीडियो पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ सब क्वेश्चन करेंगे, ताकि कल को आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप ये ना कह सको कि आपने वो पढ़ा ना हो। हालांकि चलो अपने को टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने क्वेश्चन सारे के सारे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपने डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले अपने नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसे बोलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। मैंने ये सारे टॉपिक CBSE की बुक, NCERT और RBSE तीनों बुक से कलेक्ट किए हैं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं छोड़ा जो आपके एग्ज़ाम से दूर हो। पहला पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। फिर पढ़ेंगे सक्सेसर या फॉलो नंबर, जिसे अनुवर्ती संख्या बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे प्रीडिसेसर, जिसे पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे रामानुजन संख्या, कौन सी रामानुजन संख्या, ठीक है। फिर पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर, जिसे संपूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये ओनली पढ़ेंगे नहीं, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल इंडिया के जितने भी टैट के क्वेश्चन हैं, चाहे CTET हो, UP TET हो, हिमाचल टैट हो, उत्तराखंड टैट हो, तमिल टैट हो, हरियाणा टैट हो, राजस्थान टैट हो, उन सबसे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, पेपर को डाउनलोड किया है। फिर उनसे जितने भी प्रीडिसेसर से क्वेश्चन पूछे गए उनको लेके आऊँगा, रामानुजन से पूछा गया उसको लेके आऊँगा, सक्सेसर से पूछा गया उसको लेके आऊँगा। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपने होल नंबर, ठीक है। सातवां जो पॉइंट है होल नंबर, पूर्ण संख्या। फिर इंटीजर, पूर्णांक या जिसे जहेलिन बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, भिन्न और दशमलव भिन्न। इसी के अंदर पढ़ेंगे अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, जिसे आप आवर्ती दशमलव बोलते हैं और अनावर्ती दशमलव बोलते हैं, जो कि DSSS का फेवरेट क्वेश्चन है। 9 के ऊपर बार दे देगा, कहेगा इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो वो भी अपने सीखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपने रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे प्राइम नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई टैट, ऐसा कोई PRT का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्राइम नंबर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। फिर कंपोजिट नंबर, फिर को प्राइम नंबर, जिसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट अपने इवन एंड ओड नंबर, जिसे सम और विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद यूनिट प्लेस के बाद पढ़ेंगे अपने रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो बच गए क्वेश्चन, मतलब वेरियस डिफरेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अलग अलग से, वो सारे के सारे इसमें कम से कम 15 या 16 टाइप पूछे जाएंगे। जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन उसका टाइप नहीं है, उसको मैंने इस टाइप में रख लिया। 18 पॉइंट है नंबर सिस्टम को कवर करने के लिए। ये सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसकी लगभग 2 या 3 वीडियो बनेगी। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि आप पैसा लोगे, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होगी, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, और 0 से लेकर 100% तक आपको सिलेबस गिराया जाएगा। डेली की 3 या 4 वीडियो आएंगी, तो बस आपका एक ही काम है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेट का काम करते हैं, ताकि हम और अच्छा कार्य करें। और उन सभी से शेयर कर दीजिए ग्रुप में जो PRT या DSSS के किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस आपका इतना काम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्शन हमारा। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पहला है प्लेस वैल्यू या जिसे बोलते हैं स्थानीय मान क्या होता है।
देखिए सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ज़्यादा अपने इस पर जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है अपने को, कहता है किसी नंबर में किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू उस डिजिट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतने जीरो लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, अपने को स्टूडेंट पता है कि पहले डिजिट होते हैं, डिजिट से क्या बनती है स्टूडेंट, संख्या बनती है, नंबर बनते हैं। और अपने को पता है कि डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10। इन 10 डिजिट से मिलकर कोई ना कोई संख्या बनेगी, ठीक है। और किसी नंबर में किसी भी डिजिट का, अपने को पता है डिजिट क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ये डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं, नंबर। किसी भी नंबर में, मान लो आप सपोज करो कोई भी नंबर है आपके पास, नंबर है 365, कितना 365, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का, मान लो मैं 6 का बोलता हूँ, 6 का स्थानीय मान निकालना है, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उस डिजिट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उतनी जीरो लगा दो। तो 6 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, एक डिजिट आ रहा है तो एक जीरो लगा दो, तो 6 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कितना होगा, 16। अगर उसके बाद 3 का पूछूं तो 3 का प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो उसके बाद दो डिजिट है 6 और 5, तो 3 के पीछे 2 जीरो लगा दो, तो 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 300। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 300। अगर आपसे पूछूं, एक और नंबर दे रहा हूं आपके लिए, 5670, कितना 5670। अगर आपसे पूछूं कि 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, कितनी है, तो आप बताओगे 5 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 5 के पीछे 3 जीरो लगा दो, कितनी, 3 जीरो, तो 5 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 5000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आपको बताता हूँ अब इस पर क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बना हुआ है 23536 में 3 के स्थानीय मानों में अंतर लिखिए। अपने पास एक नंबर दे रखा है 23536 में 3 के, मतलब 3 के प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, तो देखिए इसकी जो पहला 3 है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, इस 3 के बाद एक डिजिट आ रहा है तो इस डिजिट की वैल्यू होगी 30। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30। अब इस 3 की निकालना चाहता हूँ, कितनी, इस 3 की, तो इस 3 के बाद कितने अक्षर है, 1, 2, 3, तो इसकी कितनी होगी, 3000। अपने को अंतर बताना है कितना आएगा, तो 3000 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा, 2970। कितना आएगा, 2970 इसकी जो डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, 2970। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एच स्टेटमेंट, किसी नंबर में जीरो की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है, आप कोई भी नंबर लीजिए, आपके पास है 30565, ठीक है, इसमें जीरो की प्लेस वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कितनी, जीरो की, तो इस जीरो के बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा दो, तो किसी भी नंबर में जीरो की जो प्लेस वैल्यू होती है वो खुद जीरो होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था और कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला था, मतलब उलझाने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो कितना होगा, जीरो। किसी भी नंबर में जीरो की प्लेस वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, जीरो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको ईजी से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ लेके जाऊँगा ताकि आप कह ना सको कि भाई मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अपने बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, आपका रिकॉल हो जाएगा। किसी नंबर में यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एक क्वेश्चन और था जो पूछा गया था रीट या आरटेट, जो कि राजस्थान की परीक्षा है। किसी नंबर में यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, अब यूनिट प्लेस क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है, मान लो 5367, ठीक है, मतलब 5367 में यूनिट प्लेस, ये यूनिट होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो अपने को पूछा है कि इसका मान, कोई भी नंबर होगा उसमें यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, मान लो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 के बाद तो कोई अंक नहीं है, तो उसकी प्लेस वैल्यू खुद कितनी होगी, खुद यूनिट प्लेस होगा। तो ये पूछा गया था ट्रू एंड फॉल्स में, तो ये क्या था, उसमें पूछा गया था किसी नंबर में यूनिट प्लेस, यूनिट किसी नंबर में यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू खुद यूनिट प्लेस होता है, तो बिल्कुल सही है, यूनिट प्लेस खुद होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, जीरो लगा नहीं सकते, तो वो खुद नंबर है, ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि आपके पास एक नंबर है 32, 68 और 9, पूछेगा कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 9 क्या है, यूनिट प्लेस है, इकाई अंक है, ठीक है, तो इस 9 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 9 ही होगी, तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही था, ट्रू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। देखिए आपको एक थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। एक होती है प्लेस वैल्यू, क्या प्लेस वैल्यू जिसे बोलते हैं स्थानीय मान, एक होती है फेस वैल्यू। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप मान लो आज दिल्ली रहते हो, कल आप कलकत्ता चले गए, तो आपका क्या होगा? स्थान चेंज हो गया, लेकिन जो आपका फेस था, आपका चेहरा था, वो नहीं बदला। आप दिल्ली थे तभी आपका वही चेहरा था, आप कोलकाता गए तभी वही चेहरा है, आज आप अमृतसर जाओगे तो भी आपका चेहरा है, लेकिन आपकी लोकेशन बदल रही है, स्थान बदल रहा है, लेकिन फेस नहीं बदल रही और ना ही आपकी क्या है जाति बदल रही। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आज आप यहाँ शर्मा थे तो कल कलकत्ता जाओगे तो भी शर्मा होगे, यहाँ आज अग्रवाल थे, अगर वहाँ जाओगे तो भी अग्रवाल होगे। तो आपका ओनली प्लेस बदलेगा, प्लेस बदलने के पीछे क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं, और जाति नहीं बदलेगी, जाति आपकी वही रहेगी, फेस आपका वही रहेगा। तो ये मत, इट मीन्स क्या होगा, फेस वैल्यू या जातीय मान कभी चेंज नहीं होते। किसी डिजिट की फेस वैल्यू वही खुद डिजिट होता है, ठीक है स्टूडेंट? किसी नंबर में किसी डिजिट की फेस वैल्यू वह स्वयं डिजिट होती है। मान लो आपसे पूछूं कि 364 में 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। फेस नहीं बदलेगा, आपका चेहरा वही रहेगा, आपकी जाति वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो सेम का सेम वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है? आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था। कहता है कि 65,785 में 5 की फेस वैल्यू में अंतर कितना होगा। देखिए अपने को पता है इस 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 5, क्योंकि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। इस 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 5, तो इसकी भी चेंज नहीं होगी। तो 5 और 5 में अंतर बताना है, तो कितने का अंतर आ गया, 0 का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सभी स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो 0 को टिक नहीं करते जब तक उन्होंने प्रैक्टिस ना की हो। आप टेंशन मत लीजिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप वहाँ से रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 बार पूछा गया, सी टैट, हिमाचल टैट और आर टैट में, कहता है कि 7,238 में 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए 2 की प्लेस वैल्यू तो कितनी होगी, अपने को पता है कि प्लेस चेंज होता है, तो 1 और 2, 2 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 200 आ जाएगी, और इस 2 की फेस वैल्यू, फेस कभी चेंज नहीं होता, तो प्लेस वैल्यू तो 200 आ गई और फेस वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 198 का, 190 इसका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्सेसर या फॉलो नंबर जिसे बोलते हैं अनुवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? अनुवर्ती संख्या। अपने बोलते हैं ना अनुज, जो मेरे बाद आया हो, जो मेरे बाद आया हो, जस्ट जन्मा हो, इसे अनुज भी कह सकते हैं, ठीक है? सक्सेसर या बोलते हैं फॉलो नंबर या अनुवर्ती संख्या। कोई भी नंबर है उसके जस्ट आफ्टर आने वाला नंबर क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। अगर आपसे पूछूं कि 36 का सक्सेसर क्या होगा, जस्ट 36 के बाद कौन सा नंबर आता है, 37, क्या होगा, 37। अगर आपसे पूछूं कि 103 का सक्सेसर या अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 4। ये NCERT, CBSE, RBSE जितने भी बुक्स मेरे नज़दीक हुए हैं उन सब से रीड आउट करके आपको बार बार एक एक टॉपिक गिना रहा हूँ, आपका कोई भी टॉपिक अधूरा ना रहे। चाहे आप सी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझो रामबाण औषधि है, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन वो पूछता है NCERT बुक से। तो किसी जस्ट नंबर के बाद आने वाला क्या होगा, जस्ट अगला नंबर, वो होगा सक्सेसर। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया स्टूडेंट। कहता है कि 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या में कितने डिजिट होंगे। क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि 3 डिजिट की, क्या 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, आपको पता है कि 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999, क्योंकि इसके बाद जो संख्या स्टार्ट होगी वो 4 अंकों की होगी। कितने, 4 अंकों की। ये मैंने आपको आंसर भी बता दिया साथ के साथ। कहता है कि 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो यही है, इसकी जस्ट आने वाली या इसकी सक्सेसर नंबर क्या होगा। अपने को पता है कि सक्सेसर नंबर क्या होता है, जस्ट बाद वाला, तो जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, 1000। तो 999 जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है ये, तो 1000 क्या होगा, उसका सक्सेसर होगा। उसने पूछा था कि जो नंबर आएगा सक्सेसर उसमें कितने डिजिट हैं, तो उसमें कितने, 1, 2, 3, 4, उसमें
चार डिजिट है जो कि सी टैट में पूछा गया है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन या तो लेवल फर्स्ट में पूछे गए हैं, लेवल सेकंड में पूछे गए हैं, टीजीटी मैथ में पूछे गए हैं, लेकिन आपसे जो रिलेटेड है उनको बार बार रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अभी इसी क्वेश्चन को लेवल फर्स्ट में पूछा गया है रीट के दौरान, कहता है कि अंकों का योगफल क्या होगा, सेम का सेम क्वेश्चन लेकिन लास्ट में उसने जोड़ दिया, कहता है कि थ्री डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसका सक्सेसर क्या होगा 1000, जो कि चार अंकों की होगी, इसका आंसर तो होगा 4 अंक, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर दिया, कहता है कि उन अंकों का योगफल क्या होगा, तो 1 + 0 + 0 + 0 तो टोटल नंबर योग कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा 1। अब उन्होंने पूछ लिया कि सभी डिजिट का सम कितना होगा, तो 1 आ गया। और उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश वालों के लिए टर्मोलॉजी मैंने यूज़ कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश वालों को भी समझ आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अपने नेक्स्ट है प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती संख्या। क्या? प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती संख्या, किसी भी नंबर के जस्ट बिफोर आने वाला नंबर, किसी भी नंबर के जस्ट बिफोर आने वाला नंबर, उससे पहले आने वाला नंबर क्या होगा, प्रीडिसेसर। और प्री का मतलब ही क्या होता है, पूर्व, आपको याद रखना है प्री का अर्थ ही क्या होता है, पूर्व। प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती संख्या किसी भी नंबर के जस्ट पहले आने वाला नंबर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पूर्ववर्ती संख्या। मान लो आपके पास 98 है, तो 98 का प्रीडिसेसर क्या होगा, उससे पहले कौन आता है 97। अगर आपसे पूछूं कि 10,000 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो आप पूछोगे 9,999, ये इसका प्रीडिसेसर होगा। अब इस पर क्वेश्चन देखिए कैसा बना है, 100 की मतलब एक अपने को नंबर दे रखा है, कहता है 100 का सक्सेसर और प्रीडिसेसर में अंतर क्या होगा, 100 का सक्सेसर तो बनेगा 101 जस्ट बाद में आने वाला, और 100 का प्रीडिसेसर क्या बनेगा 99। कहता है इन दोनों में अंतर बताना था, तो अंतर कितना हुआ 2 का। कहता है कि 100 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या में अंतर बताओ, तो 100 की अनुवर्ती कितनी होती है, जिसे अपने सक्सेसर बोलते हैं 101, और 100 का प्रीडिसेसर कितना होता है, पूर्ववर्ती संख्या 99। इन दोनों में अंतर हुआ स्टूडेंट 2 का, तो आपका आंसर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पेज पे मुझसे पूछ सकते हो, फेसबुक पेज हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है, आपको इजीली से मिल जाएगा। फेसबुक पेज का नाम है D++B Aspirant, क्या D++B Aspirant, आप वहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसी के नाम से D++B Preparation, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम में सर्च मारोगे तो D++B Preparation के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा फेसबुक पेज है। उसके बाद आप इंस्टा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अमन नारंग, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या आपकी कोई क्वेरी है आपको बहुत जल्द उसका जवाब मिलेगा, विद इन 1 आवर कोशिश करूँगा कि उससे पहले आपका जवाब दिया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं रामानुजन संख्या। क्या रामानुजन संख्या, अब रामानुजन संख्या होती क्या स्टूडेंट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बना था, उम्मीद है कि आगे इसके बनने की संभावना है, ये AWS में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट, और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन में। कहता है कि रामानुजन संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे छोटी। अब रामानुजन अपने कहेंगे किसको, ऐसी संख्या जिसको दो अलग अलग डिजिट के घनों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन जब अपने अप्लाइड करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको भली भांति इजी तरीके से समझ आ जाएगा। क्या बोल रहा था, रामानुजन संख्या ऐसी संख्या जिसको दो अलग अलग डिजिट के मतलब घनों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, घन मतलब क्यूब के मतलब एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है। एक अब क्वेश्चन पूछा था यही क्वेश्चन, कहता है कि सबसे छोटी रामानुजन संख्या क्या है, तो वो होगी 1729। अब रामानुजन संख्या क्या होती है, जो दो प्रॉपर्टियां ये निभाती हैं, मतलब कोई भी दो अलग अलग संख्या लीजिए, अब मैं एक तो 10 लेता हूँ एक 9 लेता हूँ, 10 का क्यूब करता हूँ और 9 का क्यूब करता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 1789। ठीक है, 10 का क्यूब होता है 1000, 9 का क्यूब होता है कितना 2729। ठीक है, तो ये एक तो इसने प्रॉपर्टी ये निभा दी, दूसरी प्रॉपर्टी और दो डिजिट लेके आओ उनको जोड़ो, तो 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब होता है 1, दोनों को जोड़ा तो कितना गया 1729। तो रामानुजन संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको दो अलग अलग जोड़ों के घनों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, उसे बोलते हैं रामानुजन संख्या। और सबसे छोटी रामानुजन संख्या होती है बच्चा 1729। कौन सी
29 सबसे छोटी रामानुजन संख्या होती है, उसके बाद आती है 4104 जो कि इससे थोड़ी बड़ी है, लेकिन अपने को यही याद रखनी है, जिसे 10 के क्यूब प्लस 9 के क्यूब और 12 के क्यूब प्लस 1 के क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने बच्चा, नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है, या जिसे बोलते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, किसी नंबर के फैक्टर का सम यदि नंबर के ट्वाइस के इक्वल आ जाए तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, यदि किसी नंबर के फैक्टर का योग संख्या के दुगने के बराबर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। किसी नंबर के फैक्टर का सम यदि नंबर के ट्वाइस के इक्वल है तो वो कहलाएगा परफेक्ट नंबर। अब फैक्टर क्या होते हैं, मान लो चार, चार के फैक्टर क्या होंगे कि चार में किस किस टेबल का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, या चार किस किस टेबल में आता है, चार एक की टेबल में आता है, चार दो की टेबल में आता है, चार चार की टेबल में आता है। अब देखिए क्या ये नियम, तो चार के फैक्टर क्या होंगे बच्चा, चार के फैक्टर होंगे 1 2 4, तो ये नियम लगा के देखिए, नियम लग रहा है कि नहीं, तो किसी नंबर के फैक्टर का सम 1 + 2 + 4, नंबर के ट्वाइस, नंबर क्या था चार, इसका ट्वाइस मतलब दुगना कितना होगा 8, तो उसके नंबरों को जोड़ो, 2 और 1 3 3 और 4 7, क्या 7 और 8 आपस में बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। आप और अपना लीजिए, आप 8 लेते हैं तो 8 का फैक्टर 1 होगा, 2 हो गए, 4 हो गए, 8 होगा, इसके फैक्टर ये होंगे। अब फैक्टर का नंबर का ट्वाइस, नंबर का दुगना कितना होता है 8 का 16, अब इनको सबको जोड़ के देखिए, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 8 15, 15 और 16 आपस में इक्वल नहीं होते, तो 8 भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद यदि मैं 6 देखता हूँ, 6 में 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा, 6 का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो देखिए नंबर का ट्वाइस कितना होगा, दुगना 12, इन सबको जोड़ के देखिए, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 6 12, तो ये जो 6 था उसने ये नियम पूरा का पूरा परफेक्ट निभाया है कि इसके फैक्टरों का योग कितना है 12, और इसको दुगना करता हूँ तो भी क्या है 12, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। और इसके बाद अगर 1 से 100 तक काउंटिंग लिखता हूँ तो उसमें 2 ही नंबर आते हैं, एक तो 6 और एक आता है 28, जो कि हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 तक ऐसा कौन सा जोड़ा है 2 का जो परफेक्ट नंबर को बताता है। क्वेश्चन देखिए ये बना हुआ क्वेश्चन 3 बार लगभग 4 बार पूछा गया AWS में, SSC में, UP TET में और CTET में, निम्न में से कौन सा जोड़ा संपूर्ण संख्या को बताता है, तो अपने को पता है कि 6 और 28 ही ऐसा है जो संपूर्ण संख्या को बताता है, तो आपका बिल्कुल है सही। ये था स्टूडेंट हमारा कुछ नंबर्स को, इसके बाद अगर वीडियो को बढ़ाऊंगा तो बोर हो जाओगे और आपका जो स्मरण शक्ति है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, तो मैं यही मानता हूँ कि 20 मिनट की वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। और डेली वीडियो को पाने के लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि विदाउट नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो का अपडेट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि आप पूरा सिलेबस करवाओगे क्या, नहीं करवाओगे, तो बिल्कुल मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ता, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, सब टॉपिक करवाए जाएंगे। और पैसों की बात, पैसा आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, 1% नहीं, लेकिन ये पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। लेकिन आपके लिए मैं 10 मॉडल पेपर बना रहा हूँ, पहले उसको बुक में पब्लिश करवा रहा था, लेकिन बुक आपको मिलती 100 या 150 रुपये में, लेकिन इतना आपको नहीं मैं करना चाहता, आपको 1 मॉडल का 1 रुपया देना होगा, वो भी जो इसको टाइपिंग करेगा उसका नंबर दे दूंगा, आप उसको 1 रुपया सेंड कर देना 1 मॉडल पेपर का, ताकि उसके लिए जो मेहनत की है उसकी मेहनत पूरी से मिल जाए। धन्यवाद।